स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम एक पैराबोला का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला वाइज कर इज इक्वल टू 4x व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -6a,0 एंड व्हिच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45° एट द वर्टेक्स। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और पैराबोला हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो -6a,0 पे इस एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, तो ऐसा बन जाएगा कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं ये वर्टेक्स पे 45° सबटेंड करती हैं, तो ये ऐसा, इसको ऐसे करते गए हैं, ये यहाँ से ऐसा, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है 45°। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते हैं। तुमने मान लिया कि कॉर्ड का स्लोप जो है वो m है और वो -6a,0 से पास हो रहा है इस वाले पॉइंट से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-0 = m x + 6a। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y-mx/6am=1। अब हम क्या करते हैं, जो पैराबोला की इक्वेशन हमें दी गई है इसको हम होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज करने का मतलब कि सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे y की डिग्री 2 है बट x की 1 है, तो इसमें क्या करें हम, 1 जो यहाँ पे इसका एक मल्टीप्लाई 1 से है ये, तो 1 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं y-mx/6am। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 6my² = 4xy - 4mx². तो अभी देखो सबकी डिग्री 2 हो गई है, x की डिग्री भी 2 है, y की भी डिग्री 2 है, और x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो ये भी 2 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, ये स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, ऐसे होता है ax² + 2hxy + by² = 0। इसे कंपेयर कर लेते हैं तो ए बी और एच की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 4m, एच क्या हो जाएगा -2 और बी हो जाएगा 6m। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan θ √h²-ab / a + b। यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, मॉड रहता है इसमें। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। h की वैल्यू क्या है, 2, तो h² हो जाएगा 4 - 24m² और a plus b कितना हो जाएगा 10m, और एंगल कितना दिया गया है 45, तो tan 45 कितना हो जाएगा 1। स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, 100m² = ये तो 4 हो जाएगा, 4 = 16 - 96m², ये हो जाएगा 196m² = 16m² हो जाएगा 16/196। यहाँ से m की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, m हो जाएगा +/-2/7 के इक्वल। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यूज आ गई, तो हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ m नहीं पता था। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड y = +/-2/7x + 6a, ये आपका आंसर हो जाएगा।